अरे कही जनक जसै अनुचित बानी, जनक जस अनुचित बानी। अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहहु सुभाव न कछु अभिमानी, कहहु सुभाव। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। अरे कंदुकै व ब्रह्मांड उठावो, कंदुकै व ब्रह्मांड उठावो। अरे काचे घट जिमिदारो खोरी, काचे घट जिमिदारो खोरी। अरे जो जन शत प्रमाण ले धावो, जो जन शत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया आज आवेश में है, जनक जी की ओर देखा ना जनक जी महाना महाराज जनक ना श्री जनक ना जनक राज। सीधे शब्दों में कहा भैया आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया अनुचित है। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम जी विराजमान हो उस सभा में कोई ऐसा बोल जाए कि धरती पर कोई वीर नहीं है, जनक को अगर वीरता का प्रमाण चाहिए तो आज ये लक्ष्मण वीरता का प्रमाण देगा। बात धनुष को उठाने की हो रही है, भैया सत्य कहता हूँ, एक बार आदेश देकर देखिए धनुष क्या चीज है। पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा, सिर्फ उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ कर दिखाऊंगा। और प्रभु जिस प्रकार कमल के नाल को चढ़ाने में कोई बल नहीं लगता, उसी प्रकार इस धनुष पर प्रत्यंचारोपण करके दिखाऊंगा। जनक जी महाराज आपके होते हुए कहते हैं कोई वीर नहीं है। अरे मैं कहता हूँ अगर किसी सभा में सूर्य वंश का एक बालक भी बैठा है और उस सभा में अगर स्वयं काल आकर ललकारे तो बच्चा काल से टक्कर लेता है पर पीठ नहीं दिखाता। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेन दे ना जवाब हाल काल को। इतह तो भानु वंश के निशान भ्राजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अब नवीर दे वसुंधरा विहीन हो गई, कही प्रथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने हसो निदेश नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुख है करो न जो धरो न चाक हाथ में, असत्य ना बदो सदा अहें सुनात साथ में। तो रहूं छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ पुन न धरो धनु हाथ, पुन न धरो धनु हाथ नाथ या ही प्रण रोपो उलट देऊं ब्रह्मांड निमिष्मा यदि मैं को पाऊं। ये सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उर लाय नाथ पल महधनु तोरो, चरण कमल उर लाय नाथ पल महधनु तोरो। लक्ष्मण भैया ने वचन बोले और असर कहां तक दिखाई दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया इसे कोई मेरा अभिमान मत समझना, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है, या शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने वचन कहे धरती कंपित हुई, राजा महाराजा सिंहासन से डोलने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा अरे लखन सकोप वचन जी बो, अरे जगमगानी महिदी गज डोले, जगमगानी महिदी गज डोले। हाँ जगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण भैया ने बोला धरती कांपने लगी। लक्ष्मण भैया खड़े हैं, भैया कहिए तो तोड़ दूं, कहिए तो तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा बुलाओ नहीं तो सहियों में ना तोड़ दे, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। अब राम जी ने
लक्ष्मण जी को बुलाया, पर कैसे बुलाया, मुख से बोल के नहीं। शयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे मात्र से लक्ष्मण जी शांत हो गए और आके बैठ गए। जो लोग कहते हैं कि आपकी राम कथा में भी बहुत लोगों ने गुस्सा किया है, ये उनके लिए एक बात है। लक्ष्मण जी का गुस्सा सातवें आसमान पे था कि बोले तो धरती डगमगा गई, लेकिन आंख के इशारे से आके बैठ गए। हमारा गुस्सा उतना तो पहुंचेगा नहीं, पहुंचेंगे तो हम ही फट जाएंगे। लेकिन जितना भी है, अगर घर के भी लोग रोकने आ जाए तो उन्हीं को ठेल के क्या, हट जाओ आज कोई नहीं। तो समझिए, उदाहरण देने से पहले ये देखिए वो चरित्र कहाँ है और हम कहाँ है। राम जी महाराज ने कहा लक्ष्मण शांत शांत भैया, धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा से शांत भैया, सब हिल रहे हैं पर अभी भी वो दो नहीं हिल रहे जिन्हें हिलना चाहिए, एक आप एक धनुष। और जब तक आप दोनों नहीं हिलेंगे तब तक गुस्सा नहीं शांत होगा। राम जी ने कहा ठहर जाओ, गुरु जी आज्ञा दे दे फिर चलते। और लक्ष्मण जी, भैया आपने अभी अभी जिनको इतनी जोर से ललकारा है वो थोड़ी देर में हमारे ससुर जी बनेंगे, और आपने ना महाराज जनक ना श्री जनक ना राजा जनक सीधा कही जनक जसन उचित वाणी। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आपके लिए कोई जरा सा अनुचित शब्द मुझे लगेगा तो आपके ससुर जी का ससुर जी के भी ससुर जी होंगे, तो लक्ष्मण किसी के सामने डरने वाला नहीं। अगर आपके आन पर कोई बात आए, गोस्वामी जी ने अब आगे चर्चा की। विश्वामित्र जी महाराज ने अपना दाहिना वरद हस्त उठाया और राघव जी के शीश पर रखकर कहा रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी राम सिया हुआ। राघवेंद्र सरकार चले, कैसे चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी रामा सिया रामा। सहज ही, सहज मुद्रा जानते हैं क्या है, जैसे आप हो वैसे ही आप किसी के सामने प्रस्तुत हो रहे। राघव जी के मन में ना हर्ष है ना कोई विषाद है ना कोई दुख है, सहज मुद्रा में चले। गोस्वामी जी लिख सकते थे कि दशरथ नंदन चले हैं, कौशल्या नंदन चले हैं, रघुकुल नंदन चले हैं, पर गोस्वामी जी के शब्द की कलम की सावधानी देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं सकल जग स्वामी। हमको अगर एक गांव का प्रधान बना दिया जाए तो हम दूसरे गांव में 5 बॉडीगार्ड लेके बड़की गाड़ी लेकर यूं जाएंगे। एक गांव के वो भी प्रधान है, वो गांव हमारा नहीं हो गया, 5 साल के मेहमान है, फिर जय सिया राम, फिर नाम के आगे भूत पकड़ लेगा। और राघव जी पूरे संसार के मालिक हैं, पर सहजता कितनी है। गोस्वामी जी ने यहाँ उपमा लिख दी, आज मेरे राम जी जैसे एक हाथी अपनी मदमस्त चाल में चला जाता है ना, राम जी वैसे ही जा रहे हैं। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, आप हमेशा राम जी की उपमा सिंह से करते हैं आज हाथी से,
ऐसा क्यों? बोला कारण है। आपने कभी हाथी देखा है? और जो नहीं देखो दूसरे प्लेनेट के हैं। कहा देखा होगा, गांव में, शहर में, कहीं पर भी हाथी आता है ना, तो कई तरह के लोग होते हैं उस समय। कुछ लोग होते हैं जो हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जय हो गजराज करते हैं ना। कोई ईख दे रहा है, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई दक्षिणा दे रहा है। ये हाथी के आगे की स्थिति होती है। और हाथी के पीछे कौन होता है जरा गेस करिए। गांव भर के कुकुर आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे। दूसरे गांव वाले भी इस समय मित्र हो जाते हैं कि भौंकने में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, आगे नहीं भौंकते हैं, पीछे भौंकते हैं। जानते हैं आगे अगर गलती से भौंक दिए तो तत्काल परम धाम चले जाएंगे, पीछे भौंकते हैं। अच्छा, ये क्यों भौंकते हैं? आज तक ये मामला समझ में नहीं आया। शायद इसलिए भौंकते होंगे, बताओ हम इसी गऊआ में 24 घंटे रहते, हमको कोई रोटी नहीं देता, लाठी से भगाता है, और ये पहली बार आया है, इसकी इतनी मेहमान नवाजी हो रही है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, भौंकता है भौंकता है, खाली गांव के भीतर तक ही भौंकेगा, उसके बाद नहीं। फिर एक दूसरे से कहेंगे बढ़िया भौंके ना, हम होते हैं बहुत उत्तम, बहुत सुंदर। और हाथी क्या करता है? हाथी जवाब ही नहीं देता। ये भौंकते रहते हैं, हाथी सुनता रहता है, और अपने चाल में, अपनी मस्ती में। क्यों? गजराज जानते हैं इनको तो भौंक भाग के ही गौवे में रहना है, हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। अगर हर गांव के कुत्तों के भौंकने का मैं जवाब देता रहा तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। समझिएगा, जीवन में अगर आप अपने लक्ष्य की ओर चले हो, पीछे बहुत सारे बोलेंगे, आप ध्यान देना, सबको जवाब देते रह गए तो यही रह जाओगे, अपनी यात्रा पूर्ण आप नहीं कर सकोगे। राम जी ने किसी को उत्तर नहीं दिया, ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हैं, विधाता चले हैं आज धनुष खंडन करने, ये प्रमादी राजा, अभिमानी राजा बोल रहे हैं, हाँ हाँ हमसे नहीं उठा, अब चिड़िया पहाड़ उठा लेगी। इनको कौन है? अभिमानी कभी हार नहीं मानता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी अभिमानी से पाला पड़ जाए तो मौन हो जाइए और वहां से हट लीजिए, आपका भला है। एक बार एक आदमी गया था आत्महत्या करने, रेलवे ट्रैक पे जाके लेट गया, कुछ लोग देखे, अरे भाई आदमी मरने गए, अरे भैया क्यों क्यों जल्दी हटो, ट्रेन आ जाएगी। बोला नहीं, अब मरना है। बोला अरे जिंदगी कीमती होती है, ऐसे नहीं गंवाते ना, पक्का निर्णय है, मरे बिना तो यहाँ से जाएंगे नहीं, अब हम मर के रहेंगे। एक ने देखा कि अपने सिरहाने 20-25 रोटी दबा के पड़ा था। बोला ये रोटी काहे दबाए हो? बोला अरे मूर्ख आदमी, ट्रेन लेट आई तो कब भूखे मरेंगे। आप इनको नहीं हरा सकते हो। राम जी पहुंचे धनुष के सन्मुख, राम जी खड़े हैं, इधर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा छोटके वाले काहे खड़े हुए हैं? लक्ष्मण भैया अपने पांव से धरती को दबाने लगे। हे कक्षप वारा शेष दिग्दंत अशेषो, सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो, रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे, हो सबे सानध आज को मुख नहीं मोरे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, सभी अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लो, भैया धनुष तोड़ने वाले हैं, कहीं धनुष की भयंकर टंकार से पृथ्वी का छोर आपके मुख से ना छूट जाए। सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण भैया ने सावधान किया। अब इधर राम जी खड़े हैं, तोड़ नहीं रहे। सुनेना अम्बा को थोड़ी शंका हुई, सखी ने समझाया। अब मैया परेशान, मैया जानकी कहती है, हे मैया गौरी, इतने दिन जो पूजा करी है, कृपा करो राम जी धनुष उठा ले। मन में शांति नहीं, हे भगवान गणेश, जैसे आप मूषक पे बैठते हैं, आप कितने भारी हैं और मूषक आपका वजन उठा लेता है, ऐसे ही आप धनुष को हल्का कर दो, राम जी भार उठा ले। मन में शांति नहीं। अब मैया कहती हैं, अब मुही शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा मैया क्या करूं? बोला हल्के हो जाइए। बोला कितना? बोला होइए तो। शिव धनुष हल्का होकर कहता है, माँ इतना ठीक है ना, और हल्के होइए। फिर पूछा, माँ अब इतना ठीक है? बोला नहीं, और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, अगर मैं ज्यादा हल्का हुआ और एक को मूर्ख राजा पट्ट से आए उठा के चल दिए तो हम क्या करेंगे फिर?
अगर मैं हल्का रहा इनमें से कोई आ गया तो। मैया ने कहा एक काम करो, अपना सारा भार अभी मूर्खों पे डाल दो, अभी तक उनका भार लेकर आप नहीं हिल रहे थे, अब अपना भार उन पे डाल दो, वो चिपक जाए कुर्सी से, वो ना हिल पाए, निज जड़ता लोगन पर डाल। हल्के हो जाओ आप। शिव धनुष और हल्का होकर कहता है मैया इतना ठीक है। मैया ने कहा पूछ पूछ के समय मत बर्बाद करो, एक बात सुन लो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाता है, अब सोच लो कितने कोमल है, हिसाब किताब लगा के हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ, अब राम जी खड़े हैं तोड़ नहीं रहे, फिर विचार किया मैया बेचैन, व्याकुल वैदेही धरे धीरज न देही नेक, मोही ते प्रेम ठानी प्राण तजनवारी है, मोरे बिन भी आहे निमिष कल्प के समान एक, मेरी प्राण प्यारी प्राण प्रियतम पेवारी है, समय चूकी जाऊं और वो पुनी पछिताऊं रोए, रोगी मरे औषध करे निश्चय सो अनारी। प्रभु ने सोचा विलंब करूंगा तो वेदे ही प्राण त्याग देंगी। अब धनुष की ओर राघव जी देख रहे, जितने भी मिथिलापुरवासी हैं अपने अपने विधाता से कहते हैं हे प्रभु हमारे पूजा पाठ का जो भी फल बना हो कृपा कर दो, ये जो आपके सामने समर के सरकार खड़े हैं ना, ये आप ये धनुष को तोड़ दे, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम, जितने भी देवी देवता थे कानों पर हाथ रख लिया, सूर्य भगवान का रथ जो पूरब से पश्चिम को जा रहा था दक्षिण की ओर मुड़ गया, सब एक स्वर में बोले ओ दंड खंडेव ओ दंड खंडेव। वो स्वामी जी ने कहा राम तुलसी जयति वचन उचार है, बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। हमारा ही हार्ट फेल करा देना, अपना बचाए रहना, आगे तीन दिन की कथवा कौन कहेगा, आप जोर से बोलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब किशोरी मैया हाथ में माला लेकर, अब मैं भगा तो रही हूं, अब कितना भगाऊं कथा को, कुछ तो सुनाना पड़ेगा ना, गाड़ी घोड़ा थोड़ी ना है। माला लेकर मैया आई राघव जी के पास,
अब राम जी 15 वर्ष के हैं, किशोरी मैया 6 वर्ष की छोटी सी। अब मुकुट लगा के राम जी और ऊंचे। अब सखियां कहती हैं थोड़ा सा झुक जाइए सरकार, थोड़ा झुक जाइए। लक्ष्मण जी कहते कतई नहीं भैया, मत झुकना, मेरे भैया किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा जब तक ये छोटके वाले यहाँ पर हैं हमारी बात नहीं बनेगी, पहले इनको हटाओ यहाँ से। सखियां गई और कहने लगी छोटे सरकार से अब यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, आप चलिए यहाँ से, चलिए आपका काम खत्म। लक्ष्मण जी ने कहा दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे भैया से अलग नहीं कर सकती। सखियों ने कहा दुनिया की ना, हम मिथिलानिया हैं, हम कर रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब आपसे मुझे अलग कर रही हैं। अब राम जी ने कहा देखो भैया अब हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। अब लक्ष्मण जी गए किनारे, सखियों ने कहा बस मिल गया मौका। राम जी तो वैसे ही शर्मीले हैं, लजीले हैं, इनको खड़ा कर लो, लगो गरियाने। जैसे गाड़ी देना शुरू करोगे ये संकोच के मारे खुद ही सिमटते और झुकते चले जाएंगे। सखियों ने गारी देना शुरू किया और जैसे बोलने लगे घेराबंदी करी। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया घेराबंदी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा का बोला था, हम ससुराल में हैं कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम हूं आपके ससुराल में हैं, आप बोलोगे नहीं हम कछु देखेंगे नहीं, निपटो आपस। अरे रघुवर लाला जय माला पहिर ली, रघुवर लाला तो ब्रह्मा भी अपना सर झुका देता है, पर सरकार वो ब्रह्मा होंगे। सिया झुके आगे, सिया झुके आगे, अब अपनों निहुरली, अवध में लवटे के असरा के त्याग दी, अवध में लवटे के असरा के त्याग दी, मिथिलानिया कह रही है अयोध्या भूल जाओ, का करोगे वहाँ जाके सरकार, यही रहो। राम जी ने कहा अच्छा अयोध्या भूल जाए तो का करेंगे यहाँ। सखियाँ कहती हैं अरे घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी मिथिले में रहली, हुआ। अभिमानी राजा जो बैठे थे कहने लगे, एक ने कहा कन्या को छुड़ा लो, दूसरे ने कहा राजकुमार को बांध लो, तीसरे ने कहा जनक जी को भी मत बख्शो। दुनिया के प्रलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बहुत बोल रहे हैं, चुप कराएं क्या। राम जी ने कहा भैया आपको जरूरत नहीं है इनके इलाज के लिए, बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके। अब हम सोच रहे हैं हम आगे की कथा में इसमें निकलें कि सीधा विवाह में जाएं। हमें कहा है हम तो पिछवे हैं, रुकेंगे कौन कौन रुकेगा, सब हाथ उठाओ तभी हम परशुराम प्रसंग सुनाएंगे। हाँ अब सुना दें। परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ,
अब आप सोचिए जैसे पूरा पांडाल पैक हो, एक ना खुले कोई भी कपड़ा, एक मेन गेट हो और उसी मेन गेट पे परशुराम जी फरसा लिए खड़े हो, क्या स्थिति होगी? तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल आंखों में, आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वालानंद, और वीड़ा का अनहृत सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आ न रहा, आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। परशुराम जी महाराज सोचने लगे क्या हुआ है, या समाधि शिव की जगी, या पूज्य कोई वीर, या कोई खंडे शिव धनुष, या भूकंप अधीर, क्या भगवान शिव की समाधि खुली है, क्या किसी वीर का जन्म हुआ है, या फिर शिव धनुष का खंडन हुआ है, क्या हुआ है? विचार करते करते जब मिथिला में पहुंचे तो जाकर देखा, सबसे पहले जनक जी ने प्रणाम किया, फिर किशोरी जी को बुलाकर प्रणाम कराया और क्या आशीर्वाद दिया परशुराम जी ने, हे पुत्री, हे वैदेही, चंद्र और सूर्य जोलो, क्षिति आकाश जोलो, तुलसी का पेड़ जोलो, शालिग्राम मूर्ति जोलो, हे वैदेही, जब तक ये चीजें इस धरती पर हैं, हे पुत्री, आपके मांग का सिंदूर बना रहे बना रहे बना रहे। अब कहां पता था कि अगला पाला उनके सुहाग से ही पड़ने वाला है। आशीष दिया, वैदेही जी गई, अच्छा राम जी आए, राम जी जब आए तो उनको भी आशीर्वाद दिया। शेष पर भूमि जोलो, भूमि पे पयोधि जोलो, जल पयोधि पर जल जोलो, नव सोतनु रहे। हे राजन, आज आपके मध्य में ये जो राजकुमार आते हैं, मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। जब तक गंगा यमुना की धारा है, सूर्य और चंद्र आकाश में स्थित हैं, इंद्रदेव के रूप में स्थित हैं, तब तक इनके सिर पर राज छत्र तना रहे। दोनों को आशीष दिया। अब परशुराम जी महाराज की निगाह पड़ी, परशुराम जी ने कहा, हे जनक, कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, मिथिलापति अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से ना जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी महाराज आए और कहने लगे, ये धनुष किसने तोड़ा है, शीघ्रता से बताओ। अभिमानी राजा जितने बैठे थे मन में सबके लड्डू फूट रहे, अब मजा आएगा। अब राजकुमार को पता, बड़ा माला पहन के बैठा था ना, अब पता चलेगा। एक राजा तो कहने लगा, तुमको क्या लगता है, हमसे धनुष नहीं टूटता, ये छोटका सा बच्चा तोड़ दिया, हम नहीं तोड़ पाते, अरे हम जानते थे बाबा जी आएंगे तो हम नहीं चाहते थे कोई भाई माहौल खराब, हमने जान के नहीं तोड़ा। और मन में कहते, हे ब्रह्मा जी बचा लिए, कोनो पुण्य था, नहीं तो आज बाबा जी बख्शने वाले नहीं थे। ये सब खुश है कि अब राजकुमार को पता चलेगा। अब परशुराम जी महाराज ने तब तक कह दिया, सो बिलगाई बिहाई समाजन मत मोरे जई है सब राजा, जिसने धनुष तोड़ा वो खुद अलग हो जाए, नहीं तो एक के चक्कर में सगरों राजा मारे जाएंगे, अब ये तो बिना मारे मरे। एक ने कहा, तुम जाकर बोल दो हमने नहीं तोड़ा है। बोला, अगर ये कहने गए तो राजकुमार को तो बादी में मारेंगे, हम पे पहले फरसा चलाएंगे, कहेंगे जब वो तोड़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं जो ये कहते, महाराज हमने नहीं तोड़ा। अब जनक जी से पूछ रहे, जनक जी संकोच में उत्तर नहीं दे रहे। अब राम जी आए, कहे, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा। परशुराम जी ने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई।
अब ये राजा बेचारे कर रहे, साफ साफ बता दो हमने तोड़ा क्या, सेवक ने इसने उसने सीधा बोलो, या प्राण अटके हैं कि बाबा जी का फरसा चला देंगे। अब राम जी ने कुछ बोला नहीं, भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह फरसे का भोजन है। परशुराम जी ने कहा सेवक वो होता है जो सेवा करे, ये शत्रुता का कार्य है और इसके साथ तो बैर ही किया जाएगा, वो मेरे फरसे का आहार है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बात ये है कि जो भाषा आप बोलते हैं वो बाबा जी को समझ नहीं आती है, और जो भाषा बाबा जी समझते हैं वो आपको बोलनी नहीं आती है। इनकी भाषा के मर्मज्ञ हम हैं, तो आदेश हो तो दो दो बातें हम भी कर ले महाराज। राम जी ने ना हाँ कहा ना तो मौनम स्वीकृति लक्ष्मणम। अब राम जी के आगे लक्ष्मण जी, हाँ सरकार बताइए क्या हुआ। बोला धनुष टूट गया। बोला महाराज धनुष हुआ तो टूटा, आप काहे टूट रहे हैं। बोला शंकर जी का धनुष था। बोला बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब होना शरीर की ने गोसाई। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी धनुइयां तोड़ी आप कभी नहीं आए। परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, शिव धनुष की तुलना साधारण धनुष से करता है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो महाराज जी, हमारे हिसाब से सारे धनुष एक बराबर का है कि सब प्राण लेते हैं कोई जीवन नहीं देता है, तो सब एक बराबर है, और आप कह रहे हैं टूट गया। अरे इतना अगर यही धनु पर ममता के ही हेतु, क्यों इतनी ममता है इस धनुष के लिए? अब इतनी है तो पहली बात तो राम जी ने तोड़ा नहीं भैया, तो देखने गए तो छुए टूट गया पुराना। अब आपकी इतनी ममता है तो हम जनक जी से कहते हैं कोई बढ़िया कारीगर बुलवाएं, मरम्मत हो धनुष की, फिर आप अपने कंधा पे रख के ले जाओ। परशुराम जी का रोष। लक्ष्मण भैया ने कहा महाराज भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। भैया मीठा मीठा बोल रहे महाराज तो आप और क्रोध में, तो एक बात सुनिए सरकार, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें, आप शिव धनुष हमें तोड़ा है। अब मान रहे हमने तोड़ा, पहली बार कोई जवाब दे रहा। परशुराम जी ने कहा बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। तुम्हें डर नहीं लग रहा मेरे सामने ये वाक्य बोलते हो? हे विश्वामित्र इसको मेरे सामने से हटा लो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आंखी बंद कर लियो तो हम वैसे भी आपको नहीं दिखाई देंगे। और क्रोध बढ़ा, अरे आज ये मेरा फरसा कुंठित क्यों हो रहा है, इसके गले पर चलता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा पढ़ा लिखा है, पता है गणित में सब कट जाता है पर शेष नहीं कटता, हम भी शेष हैं तो कैसे कटेगा बेचारा। इसीलिए परशुराम जी को बार 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 लक्ष्मण भैया जब फरसा दिखाने लगे, अब लक्ष्मण जी ने कहा महाराज क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? महाराज आप वृद्ध हो गए, आप फरसा भी अब कमजोर पड़ गया है, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूंकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे, हम उस माई के लाल नहीं जो हउए से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हमारी मैया हमको हवा और माऊ बिल्ली की कहानी सुना के नहीं बड़ा कि आजकल माता है को सूझो नहीं माऊ आ जाएगी, अब वो खुद ही बेचारा माऊ हो जाता है जिंदगी। अगर कह दो जाओ बच्चा वो एक पेन उठा लाओ, अंधेरा है, बचपन से वही बनाया है, सुलाते वैसे जगाते, खा ले नहीं तो वो बाबा, अच्छा एक और बात खा ले नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे। अब वो बच्चा जिंदगी भर बाबा जी का सम्मान नहीं करता, उसको लगता है बाबा जी बस ले जाने के लिए होते। एक बार तो एक मैया ने अति कर दी, कह रही खा ले तो बाबा खा जाएगा, बताओ बाबा बच्चा खाए, हद है। सुमित्रा नंदन की बातों को परशुराम जी ने सुना, राम जी आगे आए और जो राम जी के गुड़ शब्दों को सुना, परशुराम जी सोचने लगे क्या ब्रह्म आ चुके हैं धरती पर, क्या यही मेरे इष्ट हैं?
अपने कंधे से धनुष उतारा, राम जी को देने लगे। राम रमापति कर धनु ले। जैसे धनुष लिया, लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना भैया ना, अभी एक धनुष का मुकदमा पूरा सुलझा नहीं है, दूसरा भी कुछ हो गया तो भी झंझट, मत लीजिएगा। जैसे धनुष देना चाहा, देत चाप आपु ही चली गया। राम जी के हाथों में आया, प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी को स्पष्ट हुआ कि ये ब्रह्म है। प्रणाम करते हुए अपने महेंद्र पर्वत को गए। इधर श्री जनक जी महाराज ने दूत भेजे हैं श्री अयोध्या, पत्रिका लेकर आए हैं दूत कि आप शीघ्र अति शीघ्र बारात लेकर जनकपुरी के लिए आइए। ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से, अरे राजा जनक दरबार से ना। ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हमर राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हो उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ पाती ली फलवानी थोड़ा, जल्दी साजी लेकर दूत पहुंचे, दशरथ जी के हाथों में दिया। जैसे ही पत्रिका पढ़ी, आनंद से भर गए। गुरुदेव को सुनाया, गुरुदेव ने अत्यंत शीघ्र बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकाला। अब पूरी अयोध्या नगरी बारात में चलने के लिए तैयार हो गई। बीच बीच में रुकती हुई बारात श्री मिथिला नगरी को पहुंची। आप ध्यान दीजिएगा कि ये विवाह का मुहूर्त नहीं है, ये बारात प्रस्थान का मुहूर्त है। बोला अयोध्या वालों ने कहा, अब टाइम नहीं खराब करना है, अब वहां पहले पहुंचो, फिर विवाह की तारीख वहां से निकलती रहे। पहले पहुंचे, प्रथम बारात लगन ते आई, लगन से पूर्व बारात आई है। इसके उपरांत इधर ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला विवाह का, और उधर जनक जी के पौरोहित ने निकाला। वहां पर निकला मुहूर्त और ब्रह्मा जी के द्वारा निकला मुहूर्त बिल्कुल एक जैसा। अगहन में बारात आने का कि पुनः आप बारात लेकर के मंडप की ओर आइए, दशरथ जी से निवेदन किया गया। अब इधर राघव जी अश्व पे सवार होकर के श्याम, अब सोचिए जरा, गोस्वामी जी ने लिखा है, जे ही बरबाजी राम असवारा, ते ही शारदौ न बरने पारा। राम जी जिस अश्व पे बैठे हैं, वो घोड़ा इतना सुंदर है, तो राम जी की सुंदरता को कौन कहे। तो अब थोड़ी शीघ्रता से बारात लेकर चलते हैं जनवासे से मिथिला के मड़ी में मंडप के लिए। हो आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, लग झल मल झल के,
झोपड़ी में मंडप में प्रवेश करते हैं। सुंदर शोभा रत्न जड़ित सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। श्री जनक जी महाराज मैया सुनैना के साथ विराजमान है। तदोपरांत माँ वैदेही को अंक में विराजमान किया और अब श्री जनक जी महाराज माँ वैदेही का कन्यादान प्रारंभ करते हैं। घूंघर वारे पालन के नैना कजरारे, घूंघर वाले पालन के नैना कजरारे, घूंघर वाले पालन के नैना कजरारे, घूंघर वाले पालन के नैना कजरारे। चंदन लीलार चम चम चमके, हाँ चंदन लीलार चम चम जनक राम हिसी समर्पी विश्व कलि की रत्न। जिस प्रकार से राजा हिमाचल ने माँ शैलजा का कन्यादान किया था, सागर ने माँ लक्ष्मी का कन्यादान किया था, आज श्री जनक जी महाराज ने उसी प्रकार मैया जानकी का कन्यादान किया। तदोपरांत संतों का आदेश हुआ, भांवरी प्रारंभ हुई। संतों ने कहा, जनक जी आपके यहाँ भी अभी तीन बेटियां हैं, दशरथ जी के यहाँ तीन पुत्र हैं, लगे हाथ आज एक ही मंडप में चारों का माड़ो भात होगा। शेष तीनों कन्याओं का भी कन्यादान हुआ। अब आप मंडप की शोभा के दर्शन करो, चार दुल्हा और चार दुल्हन। दशरथ जी निहाल हो गए, एक मणि लेने आया था, आज तो झोली भर गई। सिया जू के संग में पड़ेगी भावरी, सिया जू के संग में पड़ेगी भावरी, सिया जू के संग में पड़ेगी भावरी। छूटे ना ये डोर ऐसे बांधो कस के, छूटे ना ये डोर ऐसे बांधो कस के, थोड़ा गाते हुए तब तो बड़ा का आनंद आएगा ना। सभी लोग आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के।
वो आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के। एक मिनट आप बहुत अच्छे हैं, अभी 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 सबको मौका मिलेगा, अभी नहीं। शुरुआत में जब गनवा शुरू किए वही नाच लेना था, चूक गए। तो श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया, तदोपरांत समस्त मिथिलापुर वासियों ने माँ वैदेही के कन्यादान में भागीदारी ली। सिंदू भावरी सिंदूर दान आदि समस्त विधियों के साथ राघव जी का विवाह आज संपन्न कराया जा रहा मैया के साथ। श्री जनक जी महाराज सिहर रहे हैं कि आज कन्यादान के उपरांत मेरी वैदेही मुझसे दूर हो जाएगी, सखियों ने समझाया। तदोपरांत समस्त विधि विधान के साथ राघव जी का विवाह हुआ, शेष तीनों भैया का विवाह संपन्न हुआ। अब बारी है थोड़ा सा आनंद उत्सव मनाने की। हो कर दो रे जनक जी कन्यादान, सिया तो दुल्हा राम की हुई, कर दो रे जनक जी कन्यादान, सिया तो दुल्हा राम की हुई, कर दो रे जनक जी कन्यादान, सिया तो दुल्हा राम की हुई। हाँ कर दो रे जनक जी कन्यादान, सिया तो दुल्हा राम की हुई। भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भाई। चार सुता हैं जनक आपकी इनको देव ब्याही, चार सुता हैं आपको इनको देव ब्याही, जरा सभी लोग बढ़िया खड़े होकर आनंद लेंगे। और भैया सुनो, जो छोटे छोटे डांडिया लिए हैं उनको बता तो दिया है ना कि नाचवे के लाने हैं, पीटना शुरू कर दें। हाँ उपयोग बता के दीजिएगा, नहीं उनको लगे
कौन रंग धोतिया कवन रंग पगिया से कौने रंगवाना। अरे कौने रंग धोतिया कवन रंग पगिया से कौने रंगवाना। ये सामने कौन बैठा है जाके, इधर कौन है? दूल्हा है ना? कैसे लग रहे? जोर से बोलिए, अच्छे लगे तो नजर उतारो। हाँ, अरे कोने रंग धोतिया कवने रंग पगिया से कौने रंगवाना। हो दुल्हा हो पहुना हो दुल्हा राम के सूरतिया से रामचंद्र की अजा घरे। हाँ मतलब आप ऐसे ऐसे करो, हम यहाँ पगला बैठे, हम गाएं हम चिल्लाएं और आप फॉर्मेलिटी। आप अगर एक आदमी या एक भी माता कोई बहन खड़ा दिखा मुझे पट्ट से बंद करें। वो समधि दशरथ जी आए से Thank you.
अधीता।